अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ टीचर ऑफ सुपीरियर मॉडल स्कूल एंड इकरा एकेडमी एंड आई डिलीवर माय लेक्चर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 9th यूनिट नंबर 1 व्हिच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 43। नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 21। स्टॉप वॉच, हम स्टॉप वॉच पढ़ रहे हैं। कल हमने एनालॉग स्टॉप वॉच पढ़ी थी, ठीक है, ए पार्ट, और आज हम उसका बी पढ़ रहे हैं, डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक है, ये बोर्ड पे देखें, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द टाइम इंटरवल मोर एक्यूरेटली अप टू 0.01 सेकंड्स। ठीक है, यानी कि वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए कि हम टाइम इंटरवल जो है बहुत ही दुरुस्तगी के साथ मालूम कर सकते हैं 0.01 सेकंड तक भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी एक तरह से हो गई। देन द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है, विच इज़ इक्वल टू 0.01 सेकंड, ये ही होगा इसका। नाउ लुक एट योर बुक पेज नंबर 21। ओके, दिस इज़ योर डिजिटल स्टॉप वॉच। लुक एट हेयर द पिक्चर ऑन योर पेज नंबर 21। देखें, यहाँ पर एक डिजिटल वॉच की जो है, स्टॉप वॉच जो है, उसकी पिक्चर दी है। एक और भी है, ये देखें मेरे पास, लुक एट दिस, ये ठीक है, ये देखें, दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल। अक्सर ऐसा है ना, जो आप रिस्ट वॉच लेते हैं तो उसमें इस तरह स्क्रीन होती है और उस पर टाइमिंग्स आ रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है स्टार्ट का बटन। ठीक है, ये हमारे पास होती है मोड, और दिस इज़ योर रीसेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मोड से जो है वो डिफरेंट मोड में ले जाके कभी हम टाइम देखते हैं, कभी हम सेकंड देख लेते हैं। ये देखें इसका, और ये क्या होती है, वाटर रेजिस्टेंस भी होती है, मतलब वाटर प्रूफ होती है, तो इस पर वाटर कोई असर नहीं करता। ठीक है, दिस इज़ योर डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। डिजिटल स्टॉप वॉच, द टाइमिंग फंक्शन इन डिजिटल स्टॉप वॉच आर यूजली कंट्रोल्ड बाय टू बटन ऑन द केस। अब क्या है, डिजिटल स्टॉप वॉच में किस तरह जो है टाइमिंग फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है, इसमें टू बटन्स हैं। मैंने अभी बताया कि एक स्टार्ट का है, एक रीसेट का है, और एक हमारे पास मोड है। अब देखते हैं क्या प्रोसेस है। प्रेसिंग द टॉप बटन स्टार्ट द टाइमर रनिंग। हम जो टॉप बटन है जब उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाता है और उस पर नंबर्स आने लगते हैं। एंड प्रेसिंग द बटन अ सेकंड टाइम स्टॉप इट। और जब सेकंड टाइम दोबारा इसको प्रेस करेंगे इसी बटन को, तो क्या होता है कि स्टॉप वॉच जो है वो रुक जाती है, वो जो रनिंग नंबर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं ब्लिंक करते हुए, वो फिर नहीं आते, लीविंग दी इलेप्स टाइम डिस्प्लेड। क्या होता है कि जो टाइम गुजर जाता है वो जो है हमें उस स्क्रीन पर, ये जो एक छोटी सी स्क्रीन नहीं है, देखें ये, यहाँ पर जो टाइम गुजरा होता है तो वो इस पे हमें क्या होता है, डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, लुक एट हियर, अ प्रेस ऑफ द सेकंड बटन देन रीस्टार्ट द स्टॉप वॉच टू ज़ीरो। जब सेकंड बटन को हम रीसेट का जो बटन है, सेकंड बटन को हम प्रेस करते हैं, देन रीसेट्स द स्टॉप वॉच टू ज़ीरो, तो वो क्या होता है कि वो जो भी रीडिंग होती है वो ज़ीरो हो जाती है। द सेकंड बटन इज़ आल्सो यूज टू रिकॉर्ड स्प्लिट टाइम्स और लैप टाइम्स। अब क्या होता है कि जो हमारे पास सेकंड बटन होता है, तो ये क्या होता है कि जो हम टाइम इंटरवल्स के ज़रिए कुछ भी अपना टोटल टाइम किसी भी चीज़ के लिए हम नोट कर रहे होते हैं, तो वो हमें दे देता है। क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है घर में कुछ कुकिंग कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो आपने कहा कि भाई मैं इतने में ये जो है कॉर्न फ्लोर जो है इसको मैं जो हूँ गूंथती हूँ, ठीक है, तो वो क्या है, आपने स्टॉप वॉच जो है वो ऑन कर दी। अब क्या है कि स्टॉप वॉच में तो नंबरिंग आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर आपने उसको रोका, अब आपने जो है उसमें कोई चीज़ डालनी है, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या किया, उसको दोबारा से जो था बटन को ऑन किया, फिर उसमें आप कुछ मिक्सअप कर लिया, फिर क्या हुआ, आपने फिर बटन को जो था प्रेस कर दिया, स्टॉप कर दिया, फिर आपने कुछ और डालना है, फिर आपने कबर्ड से वो उठाया फिर डाला,
तो क्या होता है कि लेकिन जब एंड में आप जो है बटन प्रेस करते हैं तो वो जितना भी टाइम इंटरवल होता है कि आपने उसमें फ्लोर डाला से आपने शुगर डाली या वाटर डाला, तो वो सारे का सारा आपका इस प्रोसेस में कितना टाइम जो लगा, ठीक है ना, स्पेंड हुआ, तो वो सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ये इसका डिजिटल स्टॉप वॉच का फंक्शन है। When the split time button is pressed while the watch is running, जबकि ये वॉच हमने जो थी वो काम कर रही है, नंबरिंग जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो हमने बटन को प्रेस कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, the display now look at the next page, page number 22, तो क्या हो गया के फ्रीजेस अलोंग द इलेप्स टाइम टू दैट पॉइंट टू बी रीड, बट द वॉच मैकेनिज्म कंटिन्यूज रनिंग टू रिकॉर्ड टोटल इलेप्स टाइम फुल स्टॉप, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो रनिंग पोजीशन में और हमने जो था बटन प्रेस कर दिया, तो क्या होगा कि जो वर्किंग जो है वो तो होती रहेगी उसमें, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। क्या है कि लेफ्ट टाइम जो है वो तो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, जो उस वक्त जो ब्लिंकिंग हो रही होती है नंबर्स की वो तो फ्रीज़ हो जाएगा, बट द वॉच मैकेनिज्म कंटिन्यू रनिंग टू रिकॉर्ड टोटल लेफ्ट टाइम। अब क्या होगा कि वॉच के अंदर जो मैकेनिज्म है तो वो तो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। प्रेसिंग द स्प्लिट बटन अ सेकेंड टाइम अलाउज द वॉच टू रिज्यूम डिस्प्ले ऑफ टोटल टाइम। अब क्या है, जैसे ही हम जो है स्प्लिट बटन को जो है हम प्रेस करते हैं, तो जितना भी उस वर्किंग में टोटल टाइम होता है वो तमाम का तमाम क्या है दोबारा से डिस्प्ले हो जाता है, किस पे, वो जो एक छोटा सा उसके ऊपर स्क्रीन सी बनी होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है वो हमें सारा नज़र आ जाता है। यानी क्या कहने का मतलब है कि जितना भी उस प्रोसेस पे टाइम लगता है, अगर हम टाइम इंटरवल मेजर करना चाह रहे हैं तो वो कि टोटल टाइम किसी भी प्रोसेस में हमें कितना जो है लग रहा है, तो वो सारा का सारा हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, ये जो हमारे पास है डिजिटल स्टॉप वॉच, ठीक है, इट इज़ आल्सो अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट टॉपिक है, ये पेज नंबर 22 पे ही है, मेजरिंग सिलेंडर्स, ठीक है, हम सिलेंडर्स जो है मेजरिंग के लिए हम पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चों को फीडर दिया जाता है तो उस पर भी स्केल होता है, ठीक है, कि भाई इतने ml, तो इसी तरह के सिलेंडर्स होते हैं जो लैब में होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी लिक्विड वगैरह जो है मेजर करते हैं, और फिर उसके साथ उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अब आप इसको देखें,